गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने रैंडम वेरिएबल और उसके क्वेश्चन किए थे। आज इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों टर्म वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, वहाँ पर हमने पढ़ा था रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें, यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आते हैं बाइनोमियल और पॉइसन, दैट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल हमारा क्या है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो है हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम जनरल सी बात करें, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? मतलब वो टर्म जहाँ पे दो रिजल्ट हों। हम सिक्का उछालते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जहाँ पर दो ही रिजल्ट हों, दो से ज़्यादा नहीं। अब मेरे हाथ में कोई मान लो एप्पल है, या तो मैं उसको खाऊँगी या मैं उसको नहीं खाऊंगी, दो ही कंडीशन हुई, कोई थर्ड ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास। तो वो क्या, वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो दी थी, ये हमें दी थी स्विस साइंटिस्ट थे जेम्स बर्नौली, तो इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्लियर? अब उसका फॉर्मूला है बाइनोमियल का, पी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आर कर लीजिए, क्योंकि एन सी आर, पी रेस्ट पावर आर, क्यू रेस्ट पावर एन माइनस आर। पी क्या था? पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या था हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एन हमारी नंबर ऑफ टर्म, जितनी भी होंगी 10, 15, 20। इसमें बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मतलब ये नहीं भी हम 100, 200 लेंगे, यहाँ पे 10, 15, 20, 30 इतनी ही चलती हैं। एन क्या है आपकी नंबर ऑफ टर्म? एन आपका कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 अप टू एन, क्योंकि डिस्क्रीट टर्म है, मतलब टर्म क्या है आपकी? काउंटेबल, जो टर्म हम काउंट कर सके, या कह दीजिए फाइनाइट नंबर। ये दोनों टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अभी हम बाइनोमियल के क्वेश्चन करेंगे। बाइनोमियल के क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्म देखेंगे हम, कुछ में से मान लो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए भी क्या टर्म है, जिससे पता चले भी क्वेश्चन बाइनोमियल का है। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल क्या होते हैं इसमें? फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हूँ और फिक्स्ड है। और ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट है ट्रायल्स दोनों, जो भी हम करते हैं। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सबसे पहले हम करेंगे मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार एग्जाम में आ जाता है बी फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है बी मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, आप एन निकालो, पी निकालो या क्यू निकालो। तो हम इस वीडियो में आज करेंगे पहले मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं? तो पहले मीन निकालना है तो बाय डेफिनेशन ऑफ मीन चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ मीन है हमारे पास आर इक्वल टू 0 to n आर इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर। एक्स इक्वल टू आर में मतलब ये वाली टर्म करिए, म्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सॉरी, मीन को म्यू से, आर एन सी आर पी रेस्ट पावर आर क्यू रेस्ट पावर एन माइनस आर। अब जीरो की टर्म है, जीरो रखेंगे तो सारा जीरो बन जाएगा। अगर आपने ऐसे ही लेके चलना है ऐसे ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं आर इक्वल टू 1 to n, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी? जीरो। तो अब समेशन का मतलब क्या होता है? सारा सम, मतलब अगर जब इस टर्म को अलग अलग करके लिखना हो तो पहले आर की जगह क्या अप्लाई करेंगे? जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन करें स्टार्ट।
अगर मैं ज़ीरो रखती हूँ तो यहाँ पे एन सी ज़ीरो पी रेस टू पावर ज़ीरो कहाँ तक जाएगा समेशन आपका, अप टू एन। तो यहाँ पे वन एन सी वन पी रेस टू पावर वन क्यू रेस टू पावर एन माइनस वन, एन सी टू पी रेस टू पावर टू क्यू रेस टू पावर एन माइनस टू, सी थ्री पी रेस टू पावर थ्री अप टू कहाँ तक, एन तक। साथ में आर चल रहा ना, तो यहाँ पे वन क्योंकि टू लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री, क्योंकि आर की जगह थ्री अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी थ्री, यहाँ पे भी थ्री, यहाँ पे भी थ्री और यहाँ पे भी थ्री, यहाँ तक क्लियर। अब इसको आगे लेके चलते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो एन सी वन पी रेस्ट पावर एन क्यू, यहाँ पे टू एन सी टू पी स्क्वायर, थ्री एन सी थ्री पी थ्री एन माइनस थ्री अप टू कहाँ तक गए हम, एन तक, एन एन सी एन पी रेस्ट पावर एन क्यू रेस्ट पावर ज़ीरो। किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो हो तो रिज़ल्ट क्या हो जाता है उसका, वन। अब हमने क्या सॉल्व करने हैं, इनके कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, एन सी आर, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर, यही था। तो अगर हम एन सी वन का लें, एन सी वन कितना आएगा, एन फैक्टोरियल आर की जगह क्या है वन, यही बनेगा। अगर मैं एन का फैक्टोरियल खोलूँ तो वो क्या होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू कहाँ तक जाता है, वन तक। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एन, तो मतलब एन माइनस वन का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ओनली एन। इसी तरह अगर एन सी टू का करते हैं, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो इसको अगर करें एन का फैक्टोरियल खोलें एन एन माइनस वन एन माइनस टू, टू का फैक्टोरियल करें टू इंटू वन एन सी टू का, ये इसी तरह हम सारे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एन सी वन का कितना आया था भाई, ओनली एन लिखिए पी क्यू रेस्ट पावर एन माइनस वन टू, एन सी टू का कितना बना एन एन माइनस वन ओवर टू इंटू वन पी स्क्वायर क्यू रेस्ट पावर एन माइनस टू प्लस, यहाँ लाइन लगा लेते हैं ताकि मिक्स ना हो टर्म्स आपकी, फिर इसका इसका कितना आ जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन, और टर्म क्या बनेगी पी रेस्ट पावर थ्री यहाँ क्या आएगा पी रेस्ट पावर थ्री क्यू रेस्ट पावर एन माइनस थ्री प्लस इसका एन एन सी एन का क्या आएगा ओनली वन पी की पावर एन, यही टर्म बनेगी हमारी। टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, क्या बनता है एन पी क्यू रेस्ट पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन एन माइनस वन पी स्क्वायर माइनस टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन टू इंटू वन, यहाँ पे पी की पावर थ्री क्यू की पावर एन माइनस थ्री अप टू डैश डैश ओनली। अब यहाँ से देखो क्या टर्म कॉमन निकल रही है, एक तो एन सब जगह है एन 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 और पी भी है पी पी स्क्वायर पी क्यूब, ये तो कॉमन निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास क्यू रेस्ट पावर एन माइनस वन एन माइनस वन पी, क्योंकि एक पी निकाल लिया तो पीछे सिंगल रह गया एन एन माइनस वन ठीक, नीचे टू इंटू वन पी स्क्वायर
एन तो निकाल लिया हमने, एक पी भी निकाला, पर पी की पावर एन है। मान लो जैसे पी स्क्वायर था, हमने एक पी निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया था, सिंगल पी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, पी रेस्ट पावर एन माइनस वन। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारा, क्यू प्लस पी रेस्ट पावर एन माइनस वन का। हमें पता है प्रोबेबिलिटी में सक्सेस प्लस फेलियर का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, वन के। तो म्यू मीन कितना आ जाएगा आपका, एन पी। क्लियर। अब इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो अभी इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो अभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं। एक कॉइन टॉस्ड फोर टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स और सेकंड है एटलीस्ट टू हेड। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं लेट पी वी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्योंकि सक्सेस की बात कर रहे हैं तो उसने हेड की बात की ही यहाँ पे। तो क्यू क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। ठीक है, तो कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आने के चांसेस क्या है हमारे पास, दो, और टेल आने के ये। कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, फोर टाइम, तो एन इक्वल टू फोर बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ आर एन सी आर पी रेस्ट पावर आर क्यू रेस्ट पावर एन माइनस आर। अब आर में उसने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, मतलब कितने हेड चाहिए, दो। तो फर्स्ट कंडीशन लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, मतलब आर की वैल्यू कितनी है फिर हमारे पास, टू। बाकी सारी टर्म है हमारे पास, लिखिए एन फोर सी टू वन बाय टू रेस टू पावर आर, आर कितना है, टू। कॉम्बिनेशन सॉल्व करें, फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फोर माइनस टू, फोर का फोर थ्री टू वन, टू का फैक्टोरियल टू इंटू वन, फोर माइनस टू टू, वन बाय टू रेस टू पावर फोर, कितना ही बनेगा, टू से टू कैंसिल, टू टू ज़ा फोर, कितना बनता भैया, कोई टर्म स्किप, अच्छा ये यहाँ से भी कट कर सकते हैं हम, ये बनता है टू इंटू थ्री टू वन बाय टू बाय टू वन बाय टू वन बाय टू, एक टू से टू कैंसिल, कितना आ गया, थ्री बाय एट। एक कंडीशन ये है, दूसरी क्या है, एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट और एटमोस्ट का टर्म्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो हेड तो चाहिए, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। उससे ऊपर कितने होंगे, हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, फोर टाइम, तो मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं हमारे पास, फोर हेड। करिए पार्ट टू स्टार्ट। कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो हेड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी, और का मतलब क्या होता है, प्लस, मतलब दो हेड, तीन और चार। एटलीस्ट और एटमोस्ट टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी टर्म्स उसने दी हैं क्वेश्चन में वो। एटमोस्ट में वो आपको मैक्सिमम कंडीशन बता रहा है, अभी आप वहाँ तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं। तो अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर सी टू टू फिर थ्री, फोर सी थ्री वन बाय टू रेस्ट पावर थ्री, फोर सी फोर फोर सी टू का कॉम्बिनेशन सॉल्व करें, फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फोर माइनस टू, फोर सी थ्री फोर फैक्टोरियल
किसी भी टर्म की पावर जीरो रिजल्ट क्या हो जाता है उसका वन। करिए सॉल्व जी, कितना बनेगा ये? फोर का फैक्टोरियल खोलो, 4, 3, 2, 1, 2 का फोर इधर करेंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1, तो कितना बन जाएगा 4। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। वन बाय टू की पावर 4 सब जगह है, बाहर ले लो कॉमन, तो क्या रह जाएगा 6 + 4 + दैट इज 11। 2 की पावर 4 करें तो 16। आंसर क्या आएगा? 0.6875। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।